हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी ब्लॉगर बबली में। और शाम के जो है 5 बज गए हैं, हमारा इवनिंग रूटीन शुरू हो गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर कमरे से निकलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन काम तो है, वो करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर नंदिनी को जो है सुला दिया है, पूरी दोपहर ही नहीं सोई है, शोर मचाती रही। अब जाके बड़ी मशक्कत के बाद प्रीति ने इसको सुनाया है। और इनका चल गया है प्रोग्राम। क्या चल गया है? यहीं पर बैठकर सबने जो है मैंगो शेक और बनाना शेक हजम कर लिया है, पी लिया है। माँ के थोड़ा सा सर में दर्द है तो वो लेटी हुई है, दवाई मैंने इन्हें दे दी है। क्या पी रही? सिप सिप करके पी रही, पानी पी रही। ठंडा ले आई थी? ठंडा मत पिए। हाँ, ठंडा मैं कभी ना पियो, एक अच्छा, बार खांसी तो लग अभी जाए। जो है 5 बज गए हैं तो सीरियल भी शुरू हो गया है, बालिका वधू, जो कि फेवरेट है। अभी यहाँ पर महफिल जमी हुई थी बालिका वधू देखने के लिए। प्रीति अभी बाहर गई है सूखे कपड़े उतारने के लिए, और यहाँ से ग्लास उसने उठा लिया है, बहुत सारे रखे थे। गेस्ट भी आए हुए थे, वो भी चले गए हैं। तो जी, मेहमानों की आवाजाही तो लगी हुई है हमारे यहाँ पर, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है रिलेटिव में से। और गुड्डू को थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसको खांसी जुकाम और बुखार, हल्का सा ऐसे कल फीवर हुआ था, दवाइयाँ दे दी है तो आज इसे नहीं हुआ है, तो ये रेस्ट पे है। आज इसने अपनी कोई भी क्लास नहीं की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी 1 महीने पहले तो बुखार हुआ था इसे, एक दिन के लिए ही हुआ था, और कल फिर हुआ इसे बुखार। या तो कुछ ठंडा वंडा खाया इसने, इसकी ही कोई मिस्टेक रही होगी, क्योंकि अभी हमारे घर में ये सेक भी पीते हैं तो उसे नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं बनाते हैं, बर्फ़ वगैरह का किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते हैं। ठंडी चीज़ें अवॉइड कर रखी है हमने, फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं, कैंपर में पानी भर लेते हैं आरओ में से, और उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे यूज करते हैं। बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। झाड़ू लगानी है, बर्तन साफ करने हैं, कपड़ों की तह बनानी है, और शाम के खाने की फिर तैयारी करनी है। और ये देखिए, ये वाला एपिसोड इनका शुरू हो गया। ये आज मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। तो पंखा चला देते हैं, वरना तो नंदनी को जो है गर्मी लग जाएगी। पंखा मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, पंखे की आवाज़ आती है फिर। मम्मी आज खाने में क्या बन रहा? आलू, टमाटर, मटर। मटर? इस मौसम में मटर कहाँ से आ गई? सफल मटर। अच्छा, सफल मटर। सफल मटर में अब लगाऊंगी इसमें 2 सीटी और फिर बनाऊंगी पचमढ़ी की मूंग की दाल की खिचड़ी, यानी कि बेहतरीन। मौसम फिर से भरेगा, खाना खाने का आगे दिन का मुझे ऐसा लग रहा। क्या बात, कम कर लियो? कम कर दूं? हाँ। अच्छा, ये क्या है भाई, टीवी कौन सा है आपका? लुंगी डांस। ये लुंगी डांस कर रहे? लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। और रात के 10 बज गए हैं, चिंकी सो गई है, गुड्डू सो गई है, हमारा टीवी यहाँ से चला है। अच्छा, आपका टीवी? देखो बैठ के नीचे को डुबकी लगा हुआ है, या डुबकी लगा? डुबकी एक लगा, डुबकी। ये देखो इसकी बाल्टी में बस 2 डिब्बे पानी गिर रखा, माने सब भगाने को। कौन मार रहा था? अरुषि या कौन है? चिंकी। किसके मार रही थी? है इसके। ये कौन है? ये गुड्डू दीदी। और चिंकी दीदी नहीं है, गुड्डू है दीदी है। चिंकी भी तो दीदी है ना। अभी शिकायत लेकर गई थी मेरे पास आरुषि, गुड्डू और चिंकी की लड़ाई हो रही है यहाँ पे अंदर, और मैंने आगे देखा तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। आरुषि कितना ध्यान रखती है अपनी गुड्डू दीदी का, यहाँ पर दवाई दे रही है। और मैं बता दूँ, कल से कई सारे बच्चों के जो है टेम्परेचर पिंक, पिंक वाली है दवाई, बच्चों के टेम्परेचर गड़बड़ है। कल भी दी थी दवाई, कल भी दी थी ना, बहुत अच्छे। टीवी वाले में क्या चलना है? टीवी वाले में इसकी अपनी डबली अपना राग है, और इसे कोई मतलब नहीं, मतलब अपना काम करता रहे। ये सोने के लिए आई थी नंदनी। हाँ, क्या नहीं लाते? टीवी वाले में किताब है इसकी, और इसे पढ़ाई करनी, वे ला के देनी। परसों से 4 बच्चों को बुखार आ चुका है, आरुषि, नंदनी और गुड्डू। चिंकी है, चिंकी अभी बच रही है, तो इनसे अलग हो जा, उस कमरे में चली जा। मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कोई बुखार
बुखार। क्या कर रही है नंदनी? इसने अपनी टोकरी उठा ली है अपने कपड़ों की और इसमें से देखने कौन से पहनने, कौन से पहनने नंदनी है? कौन सी किताब है? आरुषि का पेट भर चुका है मैगी खा के और अभी जो है वो भी पढ़ाई करेगी हमारे साथ। आरुषि पढ़ाई करोगे ना? चलो इसकी बुक लेके आते हैं और ये भी अपनी बुक लेके आ चुकी है। मैं और हम सब बैठ के पढ़ाई करेंगे। और उसको चाहिए ये वाला थैला। क्या रखोगे इसमें आप? हैं? अच्छा तो ये दोनों जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और क्या रखा आपने थैले में? हाँ अपने काम वाले किताब और किताब रख रखी। अच्छा तो ये पुराने उसमें चले गए हैं टाइम में, अभी घर रहते ही थैला इन्होंने टांग लिया है। जब हम स्कूल जाते थे तो थैला लेकर जाते थे तो वो समय ये याद कर रहे हैं। देखिए बैग तो ला नहीं सके स्कूल जा रही और ये स्कूल जा रही है थैला लेकर। ये देखिए वाह गुड गर्ल। और थैले में ही वो अपनी बुक्स डाल रहा है। ये देखिए इनकी बुक्स तो ले आए थे लेकिन बैग नहीं लाए थे क्योंकि बुक्स से पढ़ाना है, बैग काम क्या करते। जब ये स्कूल में जाएंगे तो तब लेकर आएंगे। अच्छा 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 थैले को लेकर ही। अच्छा जी अच्छा बड़े होके आओगे आप तो आरुष को चाहिए डोल, वो वाली डोल आरुषि दे देगी। भाई आरुषि दे देगी। अच्छा इससे बड़े हो आप? अच्छा फिर तो कर दोगे आप काम इस। अच्छा तो भाई ये इतना सारा सामान लेके घूमेगा तू है? और देखिए आज सुबह सुबह खरीदारी करा दिया, आज फिर खर्चा करा दिया सुबह सुबह। फ्रेंड्स देखिए आज हमने घर बैठे ही कर लिया बहुत सारी शॉपिंग। अब ये मत कहिएगा कि प्रीति भी बहुत खर्चा करने लगी है, ले जरूरत का ही सामान खरीद रहे जरूरत का ही सामान खरीद रहे। ये हमारे जो है सोफे बहुत बेकार हो चुके हैं तो उनके कवर बनाने थे हमें, तो इसलिए हमने 6 बेडशीट खरीद दिया। देखो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी है कवरों के हिसाब से। इनके बनेंगे कवर बेडशीट के, 2 बेडशीट लिए हैं सोफे कवर के लिए और 4 लिए हैं वैसी। 4 तो लिया है ये सोफे कवर के लिए, सोफे कवर के लिए 4। हाँ और ये 2 लिए हमने बेडशीट, जैसे सब कहते रहते हैं ना कि एक ही बेडशीट। हाँ एक ही बेडशीट है क्या? बेडशीट तो काफ़ी है लेकिन ये बिछाते नहीं है हल्का सी। और जैसे एक साइज की होती है एक जैसी, छोटे भीम वाली भी 2 हैं, वे चैक्से वाली भी 2 हैं, सेट ही है पूरा इनका, तो इस वजह से वे धूप है। अगर डल बिजार दूसरी तरह की दूसरी डाल दे तो ऐसा लगे ये एक ही बिचार ये एक ही बिचरी। अब ये देखिए 2 ली इन्होंने एक जैसी। हाँ। एक गंदी होगी दूसरी इसके साथ की बिछाती तो ऐसा लगेगा जना वही बिछरी। अब इनके पास होगी 6-7 बेडशीट, अब डेली चेंज करा खड़ी उन्होंने, रोज नहीं धुलती बेडशीट। हाँ बताए ज्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपए की एक डबल बेड की चद्दर है। देखो आज तो चद्दर वाले कोई लूट लिया इन्हें तो इन भैया को अभी पूछते हैं कैसा महसूस हो रहा है। सुबह सुबह जेब खाली करा दी है इनकी पत्नी ने। कई दिन तक बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, मैं तो सोच रहा मेरे स्कूल खुल जाए, मैं ड्यूटी पे चला जाऊं। खर्चा डेली हो रहा इतना यहाँ रहेंगे इतना तो खाता ही खाली करवा देगी। इतना खर्चा तो मेरा वहाँ ड्यूटी पे रह गया भी नहीं होता जितना खर्चा यहाँ घर रह गया। 30 किलोमीटर दूर जाकर भी 300 नहीं कमरे से स्कूल मतलब ड्यूटी पे, कमरे से ड्यूटी तो 30 किलोमीटर पे है। और देखो 6 बेडशीट ली इन्होंने आज सुबह सुबह, 600 रुपए की मतलब 600 रुपए का नुकसान करा दिया चाचा का।
फायदा 15,000 के सोफे बचेंगे। पर मैं ये सोच रही सस्ता ही है, ज्यादा महंगा नहीं है, महंगी चीज पे नहीं आता। तभी तो ले लिया, ज्यादा ले लिया। जो सस्ता और बढ़िया हो। नहीं तो कह रही ये सस्ता ही है, ज्यादा महंगे पास नहीं करती है। मैं तो समझदार है, वो लालची ध्यान रख के बजट में चले, कंजूस बोल रहा है मुझे तो। तो चाचा जी अगर आप एक महीना और रुक गए कितना खर्चा आ जाएगा? वो पूरे महीने की तनख्वाही चली जाएगी। क्या बढ़िया। लो आ जाते हैं तो करा दूंगी, ये दर्द दूंगी थाक बैठ में। आरुष क्या कर रहा भाई? स्कूटर चला रहा। और वो इतना सारा सामान कहाँ रख दिया आपने? अंदर रख दिया क्या? अरे भाई ये मौसम छिपकली का ही है, बहुत छिपकली हो रही, बच्चे बहुत हो रहे हैं इनके अभी। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। आरुषि कहाँ आया तो अंदर। क्या लेने गई हो अंदर? हैं? किताब रखने गई है। किताब रखने के लिए? हाँ। अच्छा। और देखिए घर में आ गए हैं भुट्टे, यानी कि कुकड़ी हमारी भाषा में बोले, ये एकदम ताजे हैं, खेत से लाए गए हैं। मक्का, मक्का जो होती है उस पर ही आते हैं। और चाचा जी लेकर आए थे आज पशुओं के लिए हरा ताजा चारा जो लेकर आते हैं। मक्की पशुओं के खाने काम आती है और भुट्टे जो है हमारे खाने काम आते हैं। ये देखिए ये भी कच्चे हैं, ये पके नहीं हैं बेटा। और इनकी हम पहले जब छोटे थे तो मूछे बनाते थे, ये बुढ़िया के बाल उतार के, इन्हें बुढ़िया के बाल बोलते थे हम। ये दिखाओ दोनों हाथों में पकड़ के, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए और कितनी ज़्यादा शाइनिंग है इनमें, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।